फ्रेंड्स ये वीडियो का सेकेंड पार्ट है फर्स्ट पार्ट अगर आपने नहीं देखा होगा तो डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट पार्ट का लिंक मैं दे दूंगा तो वहां पर जाके फर्स्ट पार्ट वाले वीडियो को जरूर देख लेना फ्रेंड्स इसमें भी अपन पेपर थर्ड को डिस्कस करेंगे उसके कुछ इंपॉर्टेंट गैस पेपर हैं तो फ्रेंड्स इसमें भी अपन पांच क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और फ्रेंड्स अभी भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें जिससे आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज मिलते रहें तो चलिए देखो दोस्तों अपन फर्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है द अंडरग्राउंड पावर केबल ऑफ द वोल्टेज एक्सीडी थर्टी थ्री के वी शेल बी लेड एट लीस्ट एट द डेप्थ ऑफ तो फ्रेंड्स इसका फर्स्ट ऑप्शन है क्या एक मीटर गड्ढा होना चाहिए क्या 1.2 मीटर का गड्ढा होना चाहिए कि 1.5 मीटर का मीटर गड्ढा होना चाहिए कि 1.8 मीटर की डेप्थ होनी चाहिए तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर है 1.2 मीटर की डेप्थ होना चाहिए अगर आप तैंतीस हजार की लाइन डाल रहे हो तो अब फ्रेंड्स अपन सेकेंड क्वेश्चन को देख लेते हैं सेकेंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है द नंबर ऑफ द टैपिंग पर कंडक्टर शेल नॉट बी मोर देन डैश अप टू द 650 वोल्ट लाइन यानी जो टैपिंग अपन करते हैं कंडक्टर में ठीक है वो ज़्यादा से ज़्यादा मोर देन ठीक है कितनी होनी चाहिए 650 वोल्टेज की लाइन में ज़्यादा से ज़्यादा इसका आंसर है फोर ठीक है चार से अप टू फोर Not more than, चार से ज्यादा नहीं होनी चाहिए तो फ्रेंड्स इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं अपने इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर के एग्जाम में तो फ्रेंड्स वीडियो को आप कंप्लीट वॉच करना क्योंकि वीडियो में ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन uh, आपको मैं बताऊंगा अब देखिए थर्ड मैं आपको बता देता हूं थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है अब देखिए यह बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है द पॉइंट ऑफ द पॉइंट ऑफ कॉमन सीमेंट ऑफ सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मीनस यानी इसका क्या मतलब होता है तो फ्रेंड्स इसका यही मतलब होता है अब देखिए क्या है पॉइंट एट द इनकमिंग टर्मिनल ऑफ स्विच गियर इंस्टॉल्ड बाय द कंज्यूमर तो फ्रेंड्स ये वाला जो क्वेश्चन है कई बार आ चुका है लोगों को पता ही नहीं होता है क्योंकि फ्रेंड्स आप लोगों को पता है कि इसमें कुछ डिफरेंट क्वेश्चन आते हैं ठीक है फ्रेंड्स और फ्रेंड डिस्क्रिप्शन में मैं कुछ प्लेट्स की लिंक भी दे दूंगा जैसे मोटर मशीन से रिलेटेड इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट से रिलेटेड ट्रांसफार्मर से रिलेटेड तो उन वाले प्लेलिस्ट को भी आप जरूर चेकआउट करना क्योंकि वो प्ले मैंने अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर के एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग ही मैंने बना के रखी है तो फ्रेंड्स दो क्वेश्चन और अपन डिस्कस कर लेते हैं अब देखिए दो क्वेश्चन बाकी के ये हैं देखिए कंपोज केबल कंपेरिजिंग एट इनर कंडक्टर विच आर इंस्टॉल्ड फ्रॉम वन एन अदर कॉल्ड तो फ्रेंड्स इसका आंसर क्या होगा आप बताइए कॉन्सेंट्रेट केबल ठीक है इंसुलेटेड केबल होती है फ्लेक्सिबल केबल होती है कि एक्स एल पी ई केबल होती है तो फ्रेंड्स इसका फर्स्ट ऑप्शन ही इसका ये वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है अब फ्रेंड्स अपन लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है एनी वायर केबल बार प्लेट यूज फॉर कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी एंड सो अरेंज एस टू इलेक्ट्रिसिटी कनेक्टेड टू ए सिस्टम कॉल्ड इसको क्या कहते हैं क्या लाइन कहते हैं क्या कंडक्टर कहते हैं कि सर्किट कहते हैं कि नन ऑफ दिस कहते हैं तो फ्रेंड्स इसको अपन क्या कहते हैं कंडक्टर कहते हैं तो फ्रेंड्स इसको अपन कंडक्टर ही कहते हैं तो फ्रेंड्स देखिए कितना आसान क्वेश्चन था लेकिन इन्हें घुमा फिरा के थोड़ा सा पूछा था तो लोग इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं तो फ्रेंड्स सबसे पहले आप लोगों को क्वेश्चंस को अच्छे से रीड करना है देन आफ्टर उसके ऑप्शन देखना है तो आपको करेक्ट ऑप्शन आपको अपने आप ही पता चल जाएगा अगर आपको थोड़ा सा भी नॉलेज है तो, तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो फिर से अपना नौ बजे मैं अपलोड कर दूंगा इसका तो अगर आप चाहते हैं कि आपको भी इन सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे ठीक है ये गैस पेपर का तो चैनल को आप अभी से सब्सक्राइब कर लीजिए और फ्रेंड्स अभी भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ठीक है तो स्क्रीन पे जो चैनल का आइकन दिख रहा है ना इस आइकन को भी प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और फ्रेंड्स प्लेलिस्ट जो आपको दिख रही है ठीक है स्क्रीन पे इस वाले प्लेलिस्ट को ज़रूर चेकआउट करना इसमें मैंने सारे वीडियोज़ डाल दिए हैं इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर सारे वीडियोज तो आप लोग को मिल जाएंगे तो फ्रेंड्स अब मैं मिलता हूँ नेक्स्ट डे में नौ बजे वीडियो अपलोड हो जाएगा तो फ्रेंड्स तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर